तो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में जो है ये फ्लक्स मीटर है, इसमें ये क्या है, ये इसका डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर क्या होता है, डिजिटल मीटर में जो रीडिंग्स आती है वो आपके जीरो और वन के फॉर्म में शो होती है डिजिटल मीटर में। और ये जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं स्टिक की तरह, ये क्या है, ये इसी का ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप जब भी चुंबक के पास में लेके जाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर आप देखेंगे इसमें एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है यहाँ पे, तो चुंबक के पास जब आप इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये तुरंत आपका रीडिंग शो करने लगेगा। और हम इसका भी एक डेमो करके देखते हैं। तो ये जो आपके सामने फ्लक्स मीटर, हमने इसको कनेक्ट कर दिया लाइट में, आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब हमने क्या किया है, इसका जो ट्रांसड्यूसर है उसको खोल लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब हम इस चुंबक के एक तरफ इसको लेके जाएंगे तो इसमें रीडिंग्स में चेंजेस आने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इसको पास में लेके आ रहे हैं इसकी रीडिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो रीडिंग शो कर रहा है ये किसमें शो कर रहा है, फ्लक्स किसमें आता है, वेबर में आता है, तो ये इसकी रीडिंग शो होने लगी वेबर में। अब अगर आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक पोल होगा तो ये अभी माइनस में आ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे पास लाते हैं इसकी रीडिंग बढ़ती चली जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके आए हैं तो आप इसमें देख सकते हैं क्या हो रहा है, पहले इसकी रीडिंग जीरो तक जाएगी, अब ये इसकी जो रीडिंग है वो किसमें आने लगी, पॉजिटिव में आने लगी। इसका मतलब क्या है कि इस तरफ उल्टा पोल है, मतलब उस तरफ कोई दूसरा पोल था और इस तरफ दूसरा पोल है। तो अब इसकी रीडिंग जो है आप देख सकते हैं चेंज हो रही है, जैसे जैसे आप इसके पास में आएंगे रीडिंग बढ़ेगी और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, रीडिंग कम होगी। तो फ्लक्स मीटर का ये ऑपरेशन होता है, इसका यूज हम क्या करते हैं किसी भी मोटर वगैरह में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कितना फ्लक्स है, उसको नापने के लिए किया जाता है। थैंक यू।